مستقيم. حضرت سفيان بن عبد الله ثقفي رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کے متعلق دین کے متعلق ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. تو رہنما اصول اور اصول اصول سب چیزوں کی جڑ جس پر دار و مدار دین کا اور کامیابی کا وہ بتا دیجیے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ماسٹر پرسنل. کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو بڑا اصول ہوتا ہے پرنسپل ماسٹر پرنسپل اس کو کہتے ہیں ماسٹر پرنسپل. تو وہ بتا دیجیے آپ مجھے سب سے اہم اصول زندگی کا اور کامیابی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کا ثم استقم پھر اپنے اس قول پر اور اپنے اس عقیدے پر اور اپنے اس طریقے پر گامزن رہو ثابت قدم رہو اسی راستے کو لازم پکڑ. اسی کو کہتے ہیں استقامت قرآن کی اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں اور لفظ جو حدیث میں آیا ہے وہ تم مستقل استقامت اختیار کرو. یہ ہے مین بات کامیابی کی جگہ کامیابی کا شروع ہے صحیح راستہ چوائس کر لینا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا. ایمان یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے لیکن اگر استقامت نہ ہو تو پھر بندہ کیا کرے گا وہ آئے گا راستے پر پھر مڑ جائے گا جہاں مڑا وہیں منزل بدلی. اس کی مثال آپ سمجھیے کہ ایک روڈ ہے شاہراہ کوئی ایمان جو ہے شاہراہ ہے جو سیدھی جاتی ہے منزل تک. منزل کیا ہے اللہ کی رضا جنت کامیابی. اب ظاہر شاہراہ کے بیچ میں ادھر ادھر راستے آتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں راستے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے پگڈنڈیاں آتی ہیں تو آدمی چل رہا ہے اور کوئی راستہ آیا ادھر مڑ گیا پگڈنڈی پہ اتر گیا اب وہ تو چلا جائے گا دوسری طرف منزل سے ہٹ جائے گا. تو یہی ہوتا ہے اصل آدمی اختیار کرتا ہے دین کو خاص حالت میں اختیار کرتا ہے اور پھر دوسری حالت میں بدل لیتا ہے. جیسے کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں تو دین پر قائم رہتے ہیں فقر و فاقے میں دین کو چھوڑ دیا. کچھ لوگوں نے غریبی میں دین کو اختیار کیا جہاں مال آیا غرور ہو گیا دین کو چھوڑ دیا. تو یہ کون سی چیز کم ہو رہی ہے استقامت. استقامت کم ہو رہی ہے
एक जगह गए हैं, वहां देखा माहौल है, जाने लगे मस्जिद। फिर एक जगह गए, दूसरी जगह होने के बाद ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया या शिफ्ट हो गए, अपना चेंज कर दिया रहन बसेरा, वहां देखा माहौल नहीं है, छोड़ दिया, मस्जिद दूर थी। तो कौन सी चीज की कमी हो गई? इस्तेमामत की कमी हो गई। सेहत थी, बहुत अच्छे थे तो नमाज पढ़ रहे थे, जुकाम आ गया, बुखार आ गया, शुगर हो गई, कहने लगे जैसे शुगर हो गई, छोड़ दिया हमने। कौन सी चीज की कमी हो गई? इस्तेमामत की कमी हो गई। अपने घर में है, नमाज पढ़ ले रहे हैं, तो ठीक, सफर तक पेश हो गया 15 दिन का, 1 महीने का, सारी चीजें गोल, सब चीजें गोल हो गई, खत्म। कहने लगे सफर में कौन सी चीज की कमी हो गई? इसके पामत की कमी हो गई। अभी रमजान में चल रहा है, तो रमजान में चल रहा है तो लोग आ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं और सब हो रहा है, माशाल्लाह तिलावत भी हो रही है, तहज्जुद भी हो रही है। अभी देखिए ये पढ़ लीजिए, उसी दिन जोर में देखिएगा सब खत्म। कौन सी चीज की कमी हो गई? इसके बाद की कमी हो गई। मिसाल तो बहुत बुरी है, लेकिन वो वाले और ऐसे लोगों की तो बुरी ही होना चाहिए, क्योंकि बुरा ही काम है। मौसमी मेटा, बरसाती मेटा, तो ऐसे लोगों की तो यही मिसाल होना भी चाहिए, तो इस्तेमामत नहीं है। तो कौन सी चीज की कमी हो गई? इस्तेमामत की कमी हो गई। और अगर कामयाबी चाहिए तो हालात तो मुख्तलिफ होंगे ही सही, जिंदगी एक ही तरह से थोड़ी रहती है। कभी दिल चाहेगा, कभी दिल नहीं चाहेगा, दिल चाहता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं दिल चाहता है तो नहीं पढ़ते। नहीं, दिल तो इस तरह नहीं, आपके दिल की चाह है फिर मन शे वल्ला का। अगर आप तो नशात है तो खुशी से पढ़िए, नशात नहीं है तो जबर करके पढ़िए, अपने ऊपर जबरदस्ती की करना तो पड़ेगा ना, दिन पर कामयाबी चाहिए तो ना चाहते हुए भी चाहिए चेहरे पर ना लगाई। हदीस में फरमाया गया ना कि अल्लाह उन लोगों को, क्या मैं तुम्हें नहीं बताऊं ऐसे अमल जिनसे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाए और दर्जात बुलंद फरमाए, तो फरमाया जरूर बताइए हजरत। तो फरमाया कि इस बात में वुज़ू अल मकार है कि वुज़ू को कामिल तरीके पर करना नागवारियों के बावजूद, इससे इस्तेशात है कि नागवारी है ठंडक है तो नहीं करेंगे, नागवारी है जब भी करेंगे वुज़ू करेंगे। तो फरमाया नागवारियों के बावजूद वुज़ू से तो नागवारी पर भी दीन पर अमल करना ये है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। आपके दिल में इंशरा हो आज खुशी हो गई पर दिल में इंशरा नहीं पड़े, नहीं हुआ अमल पूरा किया आपका अंदर मूड नहीं भाई। कुछ अमल तो ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह ताला ने खुद को क्या कर दिया है, इख्तियार दे दिया, ऑप्शनल बन दिया है हमको, कि मतलब आपको सहूलत हो तो कर लीजिए, सहूलत ना हो तो ना कीजिए। तो हमने तो ठीक है, वो तो खुद अल्लाह ताला की तरफ से आपको इख्तियार है, लेकिन कुछ तो कंपल्सरी है, आपका दिल चाहे तब भी करना है, वो क्या है कंपल्सरी फराइज है, हराम से बचना है। अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है। अब नमाज तो ऑप्शनल नहीं है, रोजा ऑप्शन नहीं है, ज़कात नहीं है, हज नहीं है, आराम से इज्तिनाब नहीं, ये तो क्या चीज है? ये तो कंपल्सरी है। कुछ चीजें हैं ठीक है, अब आप बारह एक नहीं पढ़ रहे, दिल नहीं चाह रहा तो चार रुको पढ़ लेंगे, अब ये तो ऑप्शनल है ठीक है। जिक्र एक घंटे का दिल नहीं चाह रहा, 10 मिनट कर लीजिए ठीक है, ऑप्शनल है। सुन्नत
गैर मौका का आपका दिल में क्या नफल पढ़ने का, ठीक है ऑप्शनल है, लेकिन जो लोग हिम्मत वाले होते हैं वो तो उसको भी गौर उसके साथ निभाते हैं पाबंदी के साथ। वो अल्लाह की तरफ से तो इख्तियार है लेकिन अपने आप को पाबंद करने के लिए वो ऐसा करते हैं कि वो जो इख्तियारी चीज थी उसको भी लाजिम पकड़ लेते हैं कि हमें तो कामयाबी चाहिए। अब उनका मामूल अगर तहज्जुद का 12 रकात का है तो हिम्मत के धनी रहते हैं ना, वो तो कहते हैं मैं कितना ही दर्द में हो गया हूँ 12 ही पढ़ो। हालांकि अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है लेकिन आला हिम्मत वालों की बात कर रहे हैं। हमारे वो मोहतरम इंसान है माशाल्लाह कैसे वो कभी जमात नहीं छोड़ती, पहली सत्र में जितना दर्द हो जितनी परेशानी हो बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंच जाते हैं। बरसात पड़ रही है बताया लोगों ने जीतते हुए पूरे तरह तरह के प्रभाव हुआ पर, तो इसके बाद ये अहम चीज है। तो अल्लाह ताला ने पहुंचाया माशाल्लाह, अभी 94 साल की उम्र है, नजर का एहतमाम संभाल रहे हैं कि कोई दिनों से 25 साल से, और मिजाज ऐसा दर्द है कि अगर दूसरा होता तो ऐसे गर्म वाले को वो नहीं करते बर्दाश्त कोई लोग, लेकिन इस्तेमालत ऐसी चीज है उनकी सारे मिजाज की उनकी गर्मी को सब लोग बर्दाश्त कर लेते हैं वरना तो फट से हटा भी देते हैं। ऐसी चीज अल्लाह ने दी ऐसा गुस्सा वो दिया है इस्तेमालत सब पर भारी हो गए, जितनी कमजोरी रहती सब पर भारी हो गए। अभी है माशाल्लाह उमर दरा साहब हमें एक नजरे का सुकून का तो इंतकाल हो गया, बल्कि नजरे का क्या हिंदुस्तान का सुकून था। कल सुना होगा आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सर उम्मत मुस्लिमा के सर परस हजरत मौलाना के नाज़िम तारे मुसलमानों की रूह रवा हजरत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी मतलब कल इंतकाल हो गया, उम्मत महरूम हो गई बहुत बड़े सारे मुतफ़ा शख्सियत मिलना मुश्किल तो सबको जोड़ दी जाए, शख्सियत तो उठती जा रही है लेकिन कोई बदल नहीं कर पाता। तबली मरकज निज़ामुद्दीन वाले शूरा वाले जमात इस्लामी वाले सब जिन पर मुतफ़ बहु शख्सियत थी महरूम हो गई उम्मत, ये उनके भी शागिर्द हैं जो हम बात कर रहे हैं, उनके भी उस्ताद देने का इंतकाल हो गया। और जो हमें मोहम्मद और नजरे के उस एतबार से हैं बड़ी शख्सियत वो उनकी भी खूबियाँ हैं और आलमी तो नहीं है वो और पूरे तुलसी भी नहीं है लेकिन नजरी हल्के हैं मान शरीर और महान भी उनकी खासियत है उसूल की पाबंदी। तो वरना इस्तेमालत जो है ना ये सबसे मेन बात है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ये फरमाया इन الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا जिन्होंने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, ये रब मान लिया तो मतलब सब कुछ अल्लाह है, वो उसका मानना है राजी उसको मानना है खाली उसको मानना है सब कुछ उसी को मानना है। फिर ثم استقاموا फिर उस पर कायम रहे उनके ऊपर फरिश्ते उतरेंगे मौत के बाद और खुशखबरी देंगे अब तक तुम कायम रहे थे ना अब बस पाबंदी खत्म है अब तुम्हारे लिए जन्नत का इंतजार करेगी अब शुरू हुई जन्नत लगी तुम तो आंकू मौत तक कायम रहे खत्म अब नहीं और लिया हो तुम्हारे दुनिया में भी हम तुम्हारी मदद करते थे आखिरत में भी करेंगे अल्लाह के द्वारा अपने फरिश्तों से और वहाँ तुम्हें जो चाहोगे मिले। तो बुजुर्गों ने फरमाया इस्तेमालत हो बल करामा इस्तेमालत तमाम करामतों से बढ़कर है। लोग तो बस वो क्या चाहते हैं शॉर्ट फार्मूला चाहिए इसीलिए वो चमत्कारों के सिलसिले में पढ़ते हैं हम वो चमत्कार दिखाते हैं वो बाबा चलो सर उन्हीं के बाद चमत्कार का शॉर्ट फार्मूला लगा देंगे वो उनसे हासिल हो जाएगा। तो इस्तेमालत ये तमाम करामतों से बढ़कर है। एक बुजुर्ग अबू सुलेमान दारानी है वो कहते हैं किसी को हवा में उड़ता हुआ देखो
करता हुआ देखो, धोखा मत खाना। चमत्कार अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उसका क्या अमल है, अल्लाह की नहीं मना जिसे किया है उसके मुकाबले में उसका क्या अमल है, जिंदगी में शरीयत की पाबंदी है कि नहीं उसको देखना। कोई कहा इस्तेमाल हजार करामतों से बेहतर है, करामतें दिखाने से कुछ नहीं होता, सीधा भी वो तो जादू से भी दिखा देते हैं, सीधा से भी दिखा देते। एक आदमी सीधा सा, लोग अल्लाह के वलियों को नहीं पहचानते हैं, जो बेचारा तहज्जुद पढ़ रहा है आकर के और पांचों वक्त की नमाज से नमाज पढ़ रहा है, रोजे को एक पाबंदी से रखा है, वही है सबसे बड़ा वली जो ऐसी पाबंदी इख्तियार कर रहा है जिस जिंदगी में, वही है वली, लोग उसको नहीं समझ पाते। तो एक शख्स जो ताहिर जिलानी रहमतुल्लाह के पास आया, वो चमत्कार सुन रहे थे ना, चमत्कार वाले वही है अल्लाह के, फिर जाने लगा तो रोकने लगे, हमको चमत्कार वगैरह देखने के लिए आए थे, यहाँ तो कुछ दिखाई वो समझने लगा, वो उस पाए के नहीं है, एक लगा सुनने वाली बात अलग होती है, देखने वाली अलग होती है, दूर के ढोल सुहाने ये समझा हुआ है। तो शेर में फरमाया अच्छा ठीक है चमत्कार नहीं देखे, लेकिन जिंदगी तो तुमने कुरान हदीस के मुताबिक पाया, पाबंदी पाई, अल्लाह की हराम चीज़ों से बचना हुआ पाए, हाँ यही तो है सबसे बड़ी करामत, ये हवा में उड़ना ये सब कुछ चीज नहीं हो सकता है, कोई अल्लाह का वली हो नॉर्मल जिंदगी गुजर रही हो, ये तो भी हाथ करेगा तो सब मोटा जिंदा कर देगा, किसी को वली समझोगे वो कर देगा, वो बीमार को उठ रहा करेगा दौड़ा देगा, वही अल्लाह का वली है, जो पाबंदी कर रहा है ना यही अल्लाह का वली, कोई जिंदगी दीन पर पाबंदी कर रहा है। तो ऐसी चीज अल्लाह के वलियों में तो क्या लतीफा है मालूम नहीं सही है कि नहीं, और वो है भी नहीं, मतलब जो लोग बुरे कामों का इस्तेमाल किया करते हैं, आपने ऐसे देखा होंगे ना कि बुरा काम ही नहीं छोड़ते हैं, बुरे का चोरी करने की आदत पड़ गई है तो चोरी से भाग नहीं आ रहे बंदे, उनको जेल भेजा गया वो सब किया गया, फिर करते हैं वो गुनाहों पर इस्तेमाल इख्तियार करते हैं। तो एक एक के बारे में आता है, एक शख्स था वो ऐसे ही मुजरिम पेशा था, मुजरिम पेशा जेल भेजा जाता, फोड़े लगाए करते, सब कुछ किया जाता, फिर वही सब गुनाह करता, फिर वही जुर्म करता, फिर वही ज्यादती करता, आखिर उसको फांसी हो गई। तो एक एक के बारे में आता है, एक शख्स के बारे में जब वो जब फांसी होने लगी तो आगे उसने कहा रुको रुको इसको फांसी नहीं, फांसी में मेहमान को रहकर वो आए और उसको बधाई दी और उसको कहा बहुत पक्का आदमी वाकई, कहा मैंने तुझसे इस्तेमामत सीखी, बुरे अच्छे लोग को क्या बुरी चीज से भी अच्छा पैगाम ले लेते, इस बात से कह रहा हूँ मैं लगे तेरे इतनी मुश्किलें पेश आई लेकिन तूने नहीं छोड़ी तो मुझे दीन क्यों छोड़ू मैं जिसमें कामयाबी है, तूने बुराई नहीं छोड़ी तो और मर गया और फांसी हो रही है, हम दीन क्यों छोड़े, तो तुझसे मैंने इस्तेमामत का सबक ले लिया। उसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, खराज अकीदत पेश किया, तूने बुराई के अंदर ऐसी पायदारी इख्तियार की तो हम क्या देखी मैं नहीं कर सकते, देखी मैं तो खुशी है खुशी है। तो बहरहाल ये अहम बात है, उन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला बताया, कुल आमनतु बिल्लाह, कह दो मैं ईमान लाया, फिर इस्तेमामत इख्तियार करो, बस अल्लाह ताला का दीन खुद ऐसा है कि वो आपके साथ साथ चलेगा, आपकी हालत में वो आपके मुताबिक हो जाएगा, अल्लाह का दीन आप बनाइए नहीं मुताबिक ना बनाइए, अपने आप को मुताबिक बना दीजिए अल्लाह के दीन के, और अल्लाह के दीन ऐसी गुंजाइश है कि आप उसमें ढल सकते हैं, आपकी तमाम हालातों के लिए उसमें हल मौजूद, बीमारी के लिए भी है, सेहत के लिए भी, गरीबी के लिए, वरना तो अगर दीन मांगा होगा तो गरीब बेचारे के जन्म से महरूम ही रहते हैं।
दीन ताकतवर पहलवान का होगा तो जब पंद्रह दिन को उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा तो ये छोटे बोले गरीब हैं नादार हैं जो बीमार हैं जो मुतावाजे हैं जो कम तबके के हैं ज्यादातर अल्लाह के बंदे वही हुए हैं अल्लाह के मोमिन बंदे जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़े कदर है तो इस्तेमाल इख्तियार करना चाहिए मौसम ही नहीं बनना चाहिए आदमी को रंग बदलता हुआ नहीं बनना चाहिए आई जमा मरदा था तो वही हो गए बाकी अल्लाह के शेरों को आदमी नहीं उबाही अल्लाह के शेर है तो लोग भी जैसे नहीं मक्का नहीं देने के लिए तो अल्लाह जरूर रहमान सहाबी इस्तेमाल कहने के और हैं जो आयम रहे शेर सी पर तो लोमड़ी की तरीके से रंग ना बन ले मक्का ने ना दिखाए वो है मोमिन पर अल्लाह की तौफीक अता آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي وعلى اله وسلم हमारे देखें सब लोग चाहिए तो पढ़ लें असल में फिक्र हनफी में नहीं शाफी फिक्र में भूल गए या वो इंतकाल हो गया अरे करेंगे इंशाल्लाह बता दें हाँ।